जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, हम लोगों ने पतिव्रत धर्म की बहुत सी सच्ची कहानियाँ, सत्य घटनाएँ सुनी हैं, पढ़ी हैं, लेकिन आज पतिव्रत धर्म के साथ साथ एक अद्भुत त्याग की जो सत्य घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह सच्ची कहानी है एक त्यागमयी व्हीलनी की। चंड नामक एक सरल हृदय का व्हील जंगल में रहता था। वहाँ टूटा फूटा पुराना एक शिवालय बना हुआ था। उसमें कोई पूजा नहीं करता था। चंड उस मूर्ति को उठाकर अपने घर ले आया और किसी से पूछकर जल, चिता भस्म, बेलपत्र और धतूरे के फूल आदि से श्रद्धापूर्वक भगवान शिव जी की पूजा करने लगा। जल, बेलपत्र, धतूरे के फूल, ये सब तो आसानी से जंगल में मिल जाते थे। शमशान से जाकर वह 7 दिनों के लिए चिता भस्म की पोटली बांध लाता था। एक दिन रात्रि के समय जोर से बारिश हुई। इतनी तेज बारिश हुई कि शमशान की सारी राख बह गई। उसी दिन चंड की पूजा के लिए लाई हुई चिता भस्म समाप्त हो गई थी। उसने बहुत प्रयत्न किया, कोसों भटक आया, पर कहीं चिता की भस्म नहीं मिली। उसके मन में बड़ा ही दुख हुआ, क्योंकि उसने नियम बना रखा था, आज भगवान की पूजा कैसे होगी। उसके नेत्रों से आंसू बहने लगे और वह सिर पकड़कर बैठ गया। उसकी यह दशा देखकर चंड पत्नी ने विनय से पूछा, आप आज इतने दुखी क्यों हैं। भील ने कहा, क्या बताऊं, मैं बड़ा अभागा हूं, आज कहीं भी चिता भस्म नहीं मिली, आज भगवान की पूजा कैसे होगी। भला पूजा किए बिना मैं जल भी कैसे पी सकता हूँ, आज भगवान बिना पूजा के रहेंगे। हाय, पति की विषाद भरी बात सुनकर उसको तुरंत एक युक्ति सूझी और वह बोली, बस इतनी सी बात के लिए आप इतने व्याकुल हो रहे हैं, आप स्नान कीजिए, चिता भस्म अभी मिल जाएगी। तदनंतर वह वहाँ से चल दी और द्वार के सम्मुख थोड़ी दूरी पर एक पीपल का वृक्ष था। वहाँ जाकर उसने मिट्टी की वेदी बनाई और झोपड़ी का सब सामान निकालकर उस वृक्ष के नीचे रखने लगी। पत्नी की इस चेष्टा को देखकर चंड ने पूछा, तुम यह सब क्या कर रही हो, और वह हक्का बक्का होकर पत्नी की ओर देखने लगा। उसके कुछ भी समझ में नहीं आया। पत्नी बोली, आप जल्दी स्नान करके भगवान को पीपल के नीचे वेदी पर बैठा दें, झोपड़ी तो दूसरी आज आप संध्या तक बना ही लेंगे, उसमें अग्नि लगाकर मैं जल जाती हूँ, आपके भगवान को पूजा के लिए बहुत दिनों तक की चिता भस्म आसानी से मिल जाएगी। जिस निरपेक्षा से व्हील वन पशुओं का आखेट करता था, उसी निरपेक्षा से व्हीलनी अपने शरीर की आहुति देने की बात कह रही थी, जैसे वह एक साधारण खेल करने जा रही हो। चंड ने पत्नी के मुख की ओर देखा। पत्नी के त्याग, प्रेम और भक्ति ने उसे प्रेम बहल कर दिया। भरे कंठ से उसने कहा, शरीर ही सुख, धर्म और पुण्य का कारण है, तुम अपने शरीर को मत जलाओ। भीलनी ने पति के चरणों पर सिर रखकर कहा, मेरे मालिक, एक दिन तो मैं मरूंगी ही, मेरा शरीर भगवान की सेवा में लगे, इससे बड़ा पुण्य और क्या होगा। मैं बड़ी भाग्यवती हूँ कि मेरा शरीर भगवान की पूजा में लगेगा, मुझे रोको मत, आज्ञा दो। भील के नेत्रों से आंसू बहने लगे, वह बोलने में असमर्थ हो गया। भीलनी ने फिर स्नान किया, शंकर जी को पीपल के नीचे की वेदी पर बैठाया और झोपड़ी में अग्नि लगा दी। पति को पुनः प्रणाम करके वह भगवान शंकर की स्तुति करने लगी। श्रद्धा, पतिव्रत्य एवं त्याग ने उसके हृदय को शुद्ध बना दिया। उसके सारे आवरण ध्वस्त हो गए। विशुद्ध ज्ञान तो अंतःकरण में ही है। उस दिव्य ज्ञान से परिपूत उसकी वाणी प्रेम से गदगद हो रही थी। हे प्रभु, न तो मैं कुबेर का पद चाहती हूँ, न स्वर्ग, न ब्रह्मलोक और न मोक्ष ही। मेरे चाहे जितने जन्म हों, मैं सदा आपके चरण कमलों की रज की भ्रमरी रहूं।
आपके चरणों में मेरा नित्य अनुराग बना रहे। सर्वोच्च वर्ण में जन्म लेने, संपूर्ण शास्त्र विचार में समर्थ होने, विद्या पढ़ने आदि से क्या लाभ? जिसका चित्त आप परमेश्वर की भक्ति में लगा है, उससे अधिक त्रिभुवन में और कौन धन्य है? प्रार्थना करते हुए उसने प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश किया, शरीर भस्म हो गया। चंड ने स्नान किया, पुष्प एकत्र किए, जल डालकर थोड़ी सी चिता भस्म शीतल करके उससे पूजा की। आज उसके हृदय में अपूर्व भाव था। अंतर में पत्नी के त्याग ने प्रेम की धारा प्रवाहित कर दी थी। नैवेद्य लगाकर वह उन्मत्त की भांति भगवान के सम्मुख नृत्य करने खड़ा हुआ। आज से पूर्व पति पत्नी दोनों भगवान के सम्मुख नाचते थे, आज वह अकेले नाचेगा। है मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा हूं, तुम यहां कैसे? तुम तो अग्नि में जल गई थी। ना ना, आश्चर्य चंड चौंक पड़ा। उसने देखा कि उसकी वाई और नित्य की भांति साथ नाचने को उसकी पत्नी खड़ी है। सपना कहे का, आपके सामने आपकी दासी मैं ही तो खड़ी हूं। मुझे तो स्मरण नहीं कि मैं कब आग में जली। भीली ने पति की बातों से आश्चर्य प्रकट किया। भील दंपत्ति अभी आश्चर्य से छुटकारा नहीं पा सके थे कि एक दिव्य विमान आकाश से उतरा और एक भगवान शंकर के पार्षद ने दोनों से प्रार्थना की कि आप लोग कैलाश पधारें। भगवान गंगाधर आपका स्मरण कर रहे हैं और आदरपूर्वक दोनों को विमान में बैठाकर शिव पार्षद उन्हें शिवलोक को ले गए। प्यारे भाई बहनों, हमारी भक्ति में जितना त्याग निष्ठा और समर्पण होगा उसका फल उतना ही गहरा होगा। धन्य हैं ऐसे भक्त जिनके लिए भगवान भी आतुर हो उठते हैं और स्वयं उनके दर्शन करने के लिए अपने विमान को या अपने पार्षदों को उन्हें बुलाने के लिए भेजते हैं। प्यारे भाई बहनों, शायद आपको पता हो कि भगवान भोलेनाथ भी हर समय राम नाम का स्मरण करते रहते हैं, राम नाम में खोए रहते हैं, तो फिर हम क्यों नहीं? आइए प्रभु का स्मरण करके एक बार फिर से बोलते हैं, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलते रहिए जब तक आपके पास समय हो, जब तक आपको ध्यान रहे। अद्भुत महिमा है इस मंत्र की। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में नई किसी सत्य घटना के साथ।